हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम कुक हाउस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। चलिए मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। ऑमलेट बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं 4 eggs, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने साथ ही यूज़ किया है बटर, सॉल्ट, साथ ही यूज़ किया है मैंने प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च। इसके साथ में मैंने यूज़ किया है यहाँ वाइट ब्रेड, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर सारे अंडों को तोड़ लेंगे। अंडों को तोड़ने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद अनुसार। ऐड करने के बाद हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएँ। ये मिक्स हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उस पैन को अच्छे से गर्म करेंगे। पैन को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ बटर यूज़ किया है। इस बैटर को इस पैन के अंदर डालेंगे। बैटर को पैन के अंदर डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि ये बैक साइड से अच्छी तरीके से सिक जाए। सबसे अच्छी तरीके से सिक गया है, अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम दो ब्रेड के स्लाइस लेंगे और ब्रेड के स्लाइस लेने के बाद हम इसके बैक साइड में रख देंगे। रखने के बाद हम इसको दोनों ब्रेड को दोनों साइड से सेक लेंगे। उसके बाद हम इस ऑमलेट को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम ये हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। में सर्व कर लिया है, लग रहा है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी सा। चलिए मैं आपको उसको बीच से कट करके दिखा देती हूँ। देखिए अच्छे तरीके से सेक गया, तो उसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हाज़िर रहूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।